जी दोनों में पथरी तो आ गई ना, कच्चा बर्तन यहाँ मिल जाता है मट्टी का बगैर चीनी के, छोटा सा बर्तन हो, सात अंजीर, अंजीरें तो मिल जाती है ना, वो मगरब के वक्त पानी में भिगो दें, उसके ऊपर मलमल बांध के उसको ओस में रख, ऊपर यानी कि छत ना हो हवा में रख दें, सुबह निहार मुंह, अल्लाह के फजल से वो इसका पानी पिए और अंजीर खाए, पित्ते की गुर्दे की पथरी इंशाअल्लाह निकल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। फिर अंजीर खाने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सहाबा अर्ज करते हैं कि हम एक मरतबा बैठे हुए तो कहीं से हमें अंजीर का एक थाल हमारे पास आया, तो हम उसको खा रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फरमाने लगे, खाओ खाओ ये जन्नत का मेवा है, इसके खाने से जोड़ों में दर्द नहीं होता और बवासीर नहीं होती, ये नुस्खा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना, मौज करो बस, लोगों को भी बताओ और खाओ भी, अल्लाह खैर करेगा, इससे कब्ज भी खत्म होती है अंजीर से जी, जब ठीक हो जाए छोड़ दो, जब तक पथरी खत्म ना हो जाए। खुश दोनों जी इंशाल्लाह।